गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज थोड़ा लेट से हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्कैल्पिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे पुट के साइड में। हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश में है कि हम लोग आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्योंकि निफ्टी रेसिस्टेंस लेवल के पास में है और यहाँ हम लोग निफ्टी में देखते हैं कि कोई ट्रेड अगर बन जाता है तो, ठीक है। निफ्टी में हम लोग पुट साइड ट्रेड ले लिए हैं यहाँ पे, एंड इसको थोड़ा सा हम लोग होल्ड करेंगे। थोड़ा सा मतलब स्कैल्पिंग जैसा हम लोग को कुछ अच्छा थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा 10,000-15,000 तक, तो हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि कॉल इसके नीचे आ चुका है। मार्केट में रैली आया था, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा उम्मीद कर रहे हैं। अपना प्रॉफिट जा चुका है, 6,000 तक का प्रॉफिट जा चुका है। थोड़ा सा और हम लोग वेट कर लेते हैं, 6,000-5,000 के आसपास में अपना प्रॉफिट जा रहा है। थोड़ा सा हम लोग और होल्ड करेंगे ट्रेड को, ठीक है। मे बी ये इसके भी नीचे आ जाए, 7,000 तक प्रॉफिट जा रहा है, 7,900। थोड़ा सा तो प्रॉफिट और मिल जाए 8,000 के आसपास में। तीन हजार 4,000, ठीक है, इतना रहने देते हैं। निकाल दिया ट्रेड को हम लोग, फिर मौका मिलेगा फिर ले लेंगे। ट्रेड अपना सही था, सही टाइम पे हम लोग एंट्री भी लिए थे, बट कोई नहीं, 4,000 के आसपास में अभी हम लोग का प्रॉफिट है। ये जो है ना, ये इसका एक सपोर्ट है, जिसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा यहाँ ना संभल के चलना पड़ेगा, वरना जल्दीबाजी में एंट्री ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक मौका वापस से हम लोग को मिलेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 25,100 सी लिए ना निफ्टी, हम लोग यहाँ पे करते हैं 25,050 सी, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, अगर निफ्टी इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर आ जाता है ना कॉल के साइड, तो फिर हम लोग वापस से पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, इसके नीचे आया ना तो फिर ये और भागेगा तेजी से। पच्चीस 150 30 स्लॉट के आसपास में हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। Thank you.
पुट साइड का प्रीमियम सपोर्टिव है, हम लोग पुट साइड में वापस से एंट्री ले लिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, एंट्री तो हम लोग ले लिए हैं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, मे बी 125-130 तक का तो हम लोग को ये टारगेट दे देगा, बस ये नीचे ना गिरे वरना दिक्कत हो जाएगा। 30 लॉट है हम लोगों के पास, ठीक है, हम लोग का सारा प्रॉफिट लॉस में बदल गया है, बस यही गड़बड़ था यहाँ का थोड़ा सा, ये इसके ऊपर ना आ जाए, बस यहाँ से रिजेक्ट होके गिर जाए। मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर जाता तो एक बड़ा सा कैंडल देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि संगे संग हो जाए, टाइम भी लगेगा बड़ा सा कैंडल बनने में, और जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा मूव आएगा, बट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है हम लोग का यहाँ पे, अराउंड 4000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है। इसका मार्केट उतना अच्छा नहीं है, मूवमेंट आएगा बड़ा सा हम लोग लेके निकल जाएंगे, ठीक है, ज्यादा होल्ड नहीं कर रहा मार्केट, मेरे को आज सही नहीं लग रहा है, ठीक है, मार्केट सही रहता तो हम लोग थोड़ा सोचते भी, आज का मार्केट सही नहीं लग रहा, वॉलीटिलिटी है नहीं, और निफ्टी में ट्रेड करना ऐसे भी हमको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि निफ्टी का प्रीमियम बढ़ता नहीं है, घटता है, जितना बढ़ेगा ना उससे ज़्यादा तेज़ी से घट जाता है निफ्टी का प्रीमियम, इसलिए निफ्टी में मेरे को ट्रेड लेना एकदम पसंद नहीं। नहीं लेना स्ट्रेट इसमें, आज के लिए इतना एनफ है, ठीक है, नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो ट्रेडिंग, बेटर टू स्किप देन टू लूज मनी, ये हम ज़्यादा मान के चलते हैं, तो पैसा डुबाने से अच्छा है कि आप अवॉइड कर दीजिए। ट्रेड अपना सही चल रहा है, वापस से हम लोग ट्रेड ले लिए, वापस एंट्री तो मिल रहा है, क्या मार्केट ट्रैप कर रहा है हम लोगों को, बस आएगा या बना के देगा पैसा नहीं पता। बन जाओ बन जाओ बन जाओ, अगर स्ट्रेट लाइन के नीचे आ जाता है ना कॉल का प्रीमियम तो मज़ा आएगा, यहाँ हम लोग को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये जाए तब तो, ये होल्ड ही नहीं कर रहा है। और स्क्रीन के सामने जितना देर बैठे रहो उतना मार्केट फंसाता जाएगा, इसलिए हम स्क्रीन से उठना चाहते हैं।
नहीं ठीक है, एक बार नीचे गिर जाने देते हैं इसको। ठीक है, हम लोग बार बार अप साइड में ले रहे हैं, इसको थोड़ा गिर जाने देते हैं, फिर हम लोग इसमें एंट्री लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। 4,000 का लॉस हो चुका है, इसको हम लोग 35 लॉट करते हैं, थोड़ा गिरने देते हैं इसको, गिर जाए तो हम लोग एंट्री लेंगे। कैसे प्रीमियम गिरा, वही अगर होल्ड करके रखते तो 12 बज जाता हम लोगों का। चलिए हम लोग एंट्री ले लिए यहाँ पे फुट के साइड में, जो हम लोग चाहते थे कि थोड़ा सा ये प्रीमियम गिरे तो हम लोग एंट्री लेंगे, इस बार वही किए हैं, गिरा है प्रीमियम तब हम लोग एंट्री लिए हैं। ये थोड़ा इसके नीचे आ जाओ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ये लो 82 रुपीस के आसपास में हम लोग एग्जिट ले लेंगे, रिस्क के नीचे का पहले से रेडी रहते हैं। और यहाँ से अगर ऊपर गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग होल्ड कर लेंगे ट्रेड को। मार्केट बहुत रुलाया है, 5,000 4,000 5,000 के आसपास में लॉस हो रहा है हम लोगों को। लॉस तो कम होने लगा, सही चल रहे हो बॉस।
लगभग लॉस तो रिकवर हो गया, बट प्रॉफिट नहीं आ पाया। प्रॉफिट में आ गए हम लोग, बड़ा सा मूवमेंट आ जाए। तीन हजार का प्रॉफिट चल रहा है, लोगों का 4 हजार का प्रॉफिट चल रहा है, 6 हजार का प्रॉफिट चल रहा है, 7 हजार का प्रॉफिट चल रहा है। चलो 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 चलो, चलो 7 हजार का प्रॉफिट चल रहा है। बस स्पाइक आया 12 हजार, 13 हजार, आया 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 स्पाइक आया, 25 हजार का प्रॉफिट। एंड यहाँ पे हम लोग 30 लॉट तो पहले बुक करते हैं। डन, 22 हजार के प्रॉफिट में आज हम लोग ट्रेड क्लोज करते हैं। ये जो हुआ ना, कमाल का हुआ। इसका उम्मीद था कि मिलेगा, लेकिन बहुत 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 हम लोग को फंसाया, बहुत रुलाया, बहुत प्रॉब्लम हुआ। निफ्टी अपना इस सपोर्ट के पास में आ रहा है, ठीक है। ये होना था, क्यों होना था, अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बड़ा सा हमको कैंडल क्यों मिला, देखिए, बाइंग जोन यहाँ पे आया था ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पॉइंट था। अभी ये और ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मेरे को उतना नहीं देखना है। ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, और ये ब्रेकआउट पॉइंट पे लोग एंट्री लिए थे, तो ये इसका क्या स्टॉप लॉस है। तो जब यहाँ से बाइंग आया, यहाँ पे आया, देखिए अगेन बाइंग आया, जब मार्केट इसके नीचे आया ना, जब इसके नीचे आया तो क्या कि ये मेरे को ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन कैसे मिला, ये लोग जितने लोग आए थे ये लोग एग्जिट लिया और ये नीचे की तरफ गिर गया। तो उसी हिसाब से इस जगह पे काफ़ी लोग शॉर्ट पोजिशन लिए थे डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, तो यहाँ पे वो लोग भी क्या किए, जो लोग सेल किए थे वो लोग यहाँ एग्जिट लिए, इसके वजह से बड़ा कैंडल बन। अभी ये जो रैली है वापस यहाँ तक एक टारगेट और एक टारगेट यहाँ तक, ये दो टारगेट अपसाइड में मिलने का चांसेस अब बढ़ गया है कि जहाँ तक अब रैली मिल सकती है। ऐसा हम बोल रहे थे कि मार्केट इसके नीचे आ जाए, इससे क्या होगा ना, जितने भी बायर्स आए हैं वो यहाँ से एग्जिट लेने लगेंगे। बट मेरा फोकस यहाँ तक का था, हम यहाँ तक लेके निकल चुके हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 22 हजार के आसपास में मेरा प्रॉफिट चल रहा है। हम इसको ट्रेड को क्लोज कितना पे किए दिखा देते हैं। 120 रुपये में क्लोज किए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी 124 125 के आसपास में चलता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट मार्केट था, फिर भी मज़ा आया ट्रेड करके। कैपिटल बड़ा रहेगा तो प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, कैपिटल बड़ा नहीं रहेगा तो प्रॉफिट बड़ा नहीं होता है। प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से सब चीज़, आपका नॉर्मल, जैसे हम लोग का 20,000 का प्रॉफिट हुआ 80,000 के कैपिटल में, तो हम लोग का कितना 20% के आसपास में कैपिटल का प्रॉफिट निकला। तो नॉर्मल हम लोग जब 10 हज़ार का कैपिटल यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग का कितना का कैप वो निकलता है, प्रॉफिट निकलता है अराउंड 15 से 20% के आसपास। तो वही चीज़ हुआ सेम आज भी। बाय। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, एंड लोगों के संग शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हम लोग का फैमिली ऐसे ही बड़ा होता रहे। बाय।